आज की हेडलाइन और खास खबरों पर एक नज़र। बढ़ती महंगाई के खिलाफ अग्रसेन चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। घर में रखी गोलियां खाने से 3.5 साल की मासूम बच्ची ने गवाई जान। 9 अप्रैल से महाराज बाग में नहीं हो सकेगी मॉर्निंग वॉक। 12,50,000 रुपए को हड़पने के लिए नौकर ने रचा लूट का नाटक। पंचायती राज कमेटी ने जिला परिषद प्रशासन को अनियमितता के लिए लगाई कड़ी फटकार। कोरोना संक्रमण के 2 साल के बाद रामनवमी के अवसर पर रामनगर में 10 अप्रैल को शाम 5:30 बजे निकलेगी शोभा यात्रा। गांजा तस्करी के मामले में फंसे आरपीएफ के कांस्टेबल सहित 2 और आरोपी पकड़ाए गए हैं। आरोपियों की कुल संख्या 9 हो चुकी है। ओबीसी पार्षदों का 2 दिन में ही मनपा ने किया सर्वेक्षण पूरा। देर रात तक काम कर मनपा ने तैयार किया डेटा। माउंट रोड स्थित ब्रदर्स कैफे में हुक्का पार्लर पर सदर पुलिस ने मारा छापा। सिविल लाइन स्थित इंदिरा आईवीएफ अस्पताल से मनपा ने वसूला 1,00,000 रुपए का जुर्माना। और अब हेडलाइन समाचार विस्तार से। 3 दिवसीय दौरे पर आई विधानमंडल की पंचायती राज कमेटी ने जिला परिषद के काम में अनियमितता पर जिला परिषद को कड़ी फटकार लगाई तथा संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। सूत्रों की जानकारी के अनुसार अनियमितता बरतने वालों पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। महाराज बाग प्रशासन ने शनिवार 9 अप्रैल से परिसर में मॉर्निंग वॉक बंद करने का निर्णय लिया है। दरअसल 5 अप्रैल को मॉर्निंग वॉक के समय महाराज बाग में 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। इसकी शिकायत प्रशासन ने सीताबर्डी थाने में भी की है। किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करने के लिए आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।